दिखाएंगे आपको मधुबनी से अगली खास खबर, जहां पर अवैध रूप से सरकारी जमीन पर चल रहा था निर्माण कार्य, जिस पर लगाई गई है रोक। अगर बात करें निजीकरण की, तो चाहे सरकारी जमीन हो या निजी जमीन, किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण करने से लोग नहीं कतराते हैं। और चाहे अगर अपराधों की बात करें, तो अपराध भी हैं चरम पर। मधुबनी जिले में सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करने का मुहिम चल रही है, जहां पर जगह जगह सरकारी जमीन पर कब्जा किए लोगों के द्वारा गृह निर्माण कर लिया गया है। तो कहीं इस तरह की जमीन पर गृह निर्माण करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। यहां सरकार की जमीन हो या निजी की, किसी की भी कोई जमीन सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नूरचक गांव में प्रकाश में आया है, जहां बिहार सरकार के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान निर्माण के कार्य को किया जा रहा था, जिसके दौरान बिस्फी सीओ श्रीकांत सिन्हा और सीआई बसंत कुमार, बिस्फी थाना के एसआई सुरेश चौधरी सहित दल बल ने मौके पर पहुंचकर अवैध काम को रुकवाया।